हेलो हाय व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल गर्ल विशाखा। आज इंडियन वाला गेटअप लिया है। बाय द वे आज तारीख बता दूं, टुडे इज 23rd of July 2022। मैं डेट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जैक्ट 20 डेज बाद है रक्षाबंधन, बट इस राखी को मैं होने में राइट जाने वाली हूँ एंड वापस आना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। फटाफट मैंने सारे भाइयों को फोन करके बोला है कि देखो आज इज द डे, आज हम सेलिब्रेट करेंगे रक्षाबंधन। तो सब लोग पकड़ो ट्रेन बस गाड़ी घोड़ा से घोड़ा नहीं सॉरी बब यहाँ पर पहुंच जाओ। तो मैंने टेबल फुल सेट कर दिया है, मेरी आरती की थाली सेट कर दी है। कल मैं और मम्मी जाके राखी लेकर आए एंड ये जो राखी मुझे चाहिए रहती है वो सिर्फ बुलेश्वर में मिलती है। इट्स लाइक अ वेरी सिंपल प्लेन राखी, बट इसमें से खुशबू आती है चंदन की, प्योर चंदन। वो लेने के लिए हम लोग इतना दूर गए एंड अभी सुबह सुबह सारे मिठाई के बॉक्सेस रेडी है, हाई लॉक वाला तोहफे रेडी है। ये तो हो गया मेरा। अब 12:15 और मेरी जो ट्रेन है एग्जैक्ट 4 बजे छूट जाएगी, बट बाइक लोड करना है मुझे, उसके लिए मुझे पहुंचना है 1 बजे। अब मुझे नहीं पता कि ये चीज कैसे होने वाली है, बट आई एम तो एटलीस्ट प्रिपेयर्ड। मेरे सारा सामान मैंने यहाँ पर रख दिया है, 2 पैनियर्स, 1 टॉप बॉक्स, 1 टेल बैग, 1 टेल बैग, 1 बैकपैक एंड 2 फ्यूल जेरी कैन। अब ये सारा सामान मैं कैसे लेके जाऊंगी एक बाइक पे, मुझे पता नहीं। व्हाट डू थिंक, इज इट पॉसिबल कि इतना सारा सामान एक बाइक पे आ सकता है? बट द गुड पार्ट इज यहाँ से मैं चला के नहीं जा रही हूँ, यहाँ से मैं बाइक लोड करके जाने वाली। यहाँ से बाइक लोड होगी DST से, डायरेक्ट हम पहुंचेंगे दिल्ली, उसके बाद में मुझे बाइक सेट करना है। फिलहाल के लिए तो मेरा सामान इज ऑल पैक्ड इन। भाई नंबर 1 पबजी प्लेयर। आजकल के बच्चे ना बड़े बिगड़े हुए, सिर्फ गेम में ध्यान देते। भाई नंबर 2 सोया हुआ है, इसको सोने से फुर्सत नहीं है। भाई नंबर 3 और 4 गए डॉक्टर के पास। भाई नंबर 5 और 6 ट्रेन में पहुंच रहे हैं यहाँ पर एंड भाई नंबर 7 नहीं आ पाएगा क्योंकि उसको मामा का काम करना है। आ गए भाई नंबर 3 एंड भाई नंबर 4। हम लोग नीचे टफी मिला, तुझे मिला नीचे नया टफी? नहीं टफी, थैंक गॉड, ये लोग आ गए। न्यू फ्रेंड, नो बहुत पतला टफी था, सेम टफी। नाउ वी विल गेट रेडी। डैडो कपड़े पहनने का है कि नहीं? आ इधर आ, न्यू क्लोथ्स छोड़ो, राखी का न्यू क्लोथ्स, वाओ। रेनकोट नहीं है वो, पागल बॉम्बर जैकेट है। यस, तो टिकटॉक बनाएगा ना अभी टफी? जल्दी करा रही है, ट्रेन छूट रही है मेरी। एक्चुअल में ब्लू बाहर रखना है कि फ्लोरसेंट बाहर रखना है? इधर साड़ी यार, देखना उसका मुंह, देखना नंगा घूम लेगा चीज को। वाह, अभी पूरा तहस नहस कर देगा। चलेगा अभी ये, गो एवरीवेयर नाउ। ये किधर जा रहे हैं अपन? अरे बट वो अच्छा लग रहा है, तेरा बेडशीट भी अच्छा लग रहा है। बेडशीट बोल रही है, रख दिया तूने निकाल के। अरे अच्छा नहीं लग रहा है, सुन ना। अरे सही लग रहा है। अरे तू इलेक्शन के लिए खड़ी हो रही है क्या? और भाई हमारा चालू हो गया है एज क्या बोलते हैं, कथा, क्या बोलते हैं, कथा नहीं एज प्रथा। सबसे बड़ा भाई का पहले होता है, हाँ इसका पहले हो जाता है ना, फिर अपन गोरेगांव जाते हैं ना। हमेशा लेट होते हो, सूरज सबसे पहले आता है और सबसे लास्ट पीर आता है। नहीं सबसे लास्ट लोग आता है ना, सबसे लास्ट लोग गोरेगांव जाके आके फिर मिलता है ना। हाँ बात तो सही है। लड्डू भी है भाई वेटिंग में, सब लोग बैठ गए देखना, सब लाइन वाइज बैठ गए। क्या लाया तूने ये सब पर पर्सन? ये सब लोग को एक 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 सबका नाम रेडी है भाई। इधर रोहन का रेडी है, रोहन है नहीं इधर हाजिर, इधर भाई इज नॉट हियर। आरती की थाल भी देखो नया नया, इधर छोटा लगाया मैंने, बहुत छोटा लगाया। बाबा बाबा बन गए क्योंकि दिस इज एडवांस राखी गाइस। शुगर फ्री मिठाई सूरज के लिए, चलो ये तो सब होता है, कोई नहीं बचेगा। जल्दी जल्दी टफी तू भी करेगा ना? अरे मेरी मम्मी ड्यूटी थी। अरे इतना एकदम छोटा लगा रही हूँ मैं सब, पहले हल्दी और फिर कुमकुम लगाना होता है ना। पवन की सारी एलर्जी दूर हो जाए ये रक्षा कवच, और अगले मंथ पवन काम पे लग जाए, ये और कुछ नया कोर्स करे गेमिंग का, ये गेम बनाना सीख जाए। बिना चश्मे का फर्स्ट आरती है, ठीक है? पहले से सुबह से नाश्ता नहीं किया, पहला यही खाऊंगा। जल्दी जल्दी अच्छे से, अच्छे से, हाँ अच्छे से। ओ हाँ, वैसे लड़के लोग को हल्दी नहीं लगाने का रहता मानने के लिए। ये हल्दी नहीं, खाली कुमकुम लगाने का। ये अभी ये दोनों ने मुझे अपने हल्दी क्यों रखा है फिर उसके अंदर? अरे वो शगुन है, वो शगुन शगुन। चलो कोई नहीं, हल्दी इज एंटीसेप्टिक। ओ शिट, अरे मेरे को इधर जख्म हुआ है, हुआ भी नहीं यार, खोटा एंटीसेप्टिक चढ़ा रहे हैं। एंटीसेप्टिक हो गया तो लाइफ में टॉक्सिसिटी बहुत है, उसका क्या करें? हल्दी का पानी लेकर आओ, हल्दी का पानी पिलाना चाहिए सुबह सुबह। फटफट 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर ले, वाली बिजनेस चालू कर दे, जॉब कर ले, जो भी करना है। जज बन के बैठेगा बोलता है। और हमारे सारे केस टू व्हीलर बिना जज बने जजमेंट अपने साइड में आ ही जाएगा। ये भैया मेरे कुचिंग बुडिंग, ये सोनू डिंग, बाय गॉड।
हाथ हाथ नमस्कार करने का शाडू और भाई हमने भाई लोग आ गए रिदे भाई इज मिसिंग जो भी आए भाई चालू करो एकदम इमरजेंसी मैं कैलेंडर में देखा नेक्स्ट मंथ आ रही है रक्षाबंधन अभी से क्या है भाई हाँ एकदम इमरजेंसी राखी भी नहीं है हाँ उन लोग क्या बोलते रहेंगे लड़की 20 दिन पहले इधर ढूंढ रही है राखी ये हल्दी भी लगा दिया इमरजेंसी रक्षाबंधन टाइम पे करने के लिए चलिए आशीर्वाद अच्छे से कमा ये फोटो नहीं आया अच्छा ये फोटो नहीं आ रहा क्या फोटो नहीं आया चलो वापस यही तो यही तो बाकी था अभी श्लोक को क्या बोला श्लोक के तो अच्छे परसेंट आ गए बस अच्छे से साइंस साइंस कर रहा है ना जो भी फील कर रहा है अच्छे से फील्ड में जा और फील्डिंग अच्छी कर बैटिंग भी कर चलो रेडी गाइस रुको फोटो फोटो रुको आए भाई रुके आज तेरी आरती उतार दे आरती उतार देती हूँ ऐसा लफड़े बोलते ना तेरे को रुक तेरे को दिखाता हूँ तेरे को आरती दिखा देती हूँ चल हाँ तेरे को भी आरती दिखा दे हाँ बहन कमाने लगी भाई क्या लाई मेरे लिए इसका ये वाला नहीं माने मेरे को खड़े खड़े व्हाट्सएप पे भी कर देते बोले व्हाट्सएप पैसा भेज देने का खिड़की खुल गई है पीछे तो आज के लिए इतना ही अभी भाई लोडा वोडा करके जाते हैं भाई चलो फैन वैन चालू करो अभी कपड़े चेंज की बताए वर्ल्ड के बेस्ट गैलरी से आ जाए वर्ल्ड का बेस्ट वीडियोग्राफर सिनेमेटोग्राफर एंड एडिटर बन जाए मूवी डायरेक्ट करे नहीं करनी है प्रोजेक्ट कर ले बिजनेस बढ़ा कर ले और नई बाइक भी ले ले चलो पैर पढ़ो पैर पढ़ो अरे अच्छे से झुक के नहीं पैरों को ऐसे ले नीचे नीचे होके ले सब अच्छे से पड़े पे अरे नंबर वन से 7-8 भाई जो भी थे फाइनली आ गए हृदय इज मिसिंग क्या करिए उसको इम्पोर्टेंट काम आ गया कुछ नहीं कर सकते भी सीन ऐसा है पवन और दीपक रुद्रा को लेके गए पीयूसी निकालने के लिए लास्ट मोमेंट पीयूसी मिहिर और श्लोक बाइक पे आ रहे हैं मैं शायना ताहर रोहन हम लोग कार में ऑलमोस्ट सीएसटी पहुंच गए अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि यहाँ से गाड़ी लोड होती है कि दूसरी जगह से लोड होती है क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे बाइक लोड करके तो अभी एक बंदा मिला उसको हमने पूछी कि गाड़ी लोड कहाँ से करना है कुछ कुछ चीज़ें मुझे याद थी क्योंकि यहाँ से होता है अब हम लोग को लेके जा रहा है लाइक दैट साइड एकदम सीएसटी के सीएसटी अगर दिस साइड है तो राइट साइड में एक्सट्रीम सीधा जाना है जहाँ से गाड़ी लोड होती है बुकिंग ऑफिस में बेसिकली क्या होता है अपना तो टिकट निकाल दिया है बट बाइकर बुकिंग करने के पहले यू हैव टू कम लाइक 3 hours पहले स्टेशन पे ट्रेन टाइमिंग के तो हमारे पास टिकट है मतलब मैं वही ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ तो उसका प्रोसेस अलग है अभी हम लोग टिकट पे बुकिंग करने वाले आगे खाली गाड़ी भेजना होता तो यहाँ पर होता बट वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से गाड़ी चढ़ना का डाइसी है और अगर मैंने डायरेक्ट टिकट पे गाड़ी चढ़ा दिया तो मेरे मतलब तुरंत तुरंत गाड़ी चढ़ी गई और जैसे मैं उतर गई वैसे मेरा लगेज उतर जाएगा मतलब अपनी रुद्रा भी उतर जाएगी तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं वो वाले प्लेटफॉर्म पे मतलब सीएसटी का स्टार्ट सो प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे हम लोग गए थे वहाँ पर एक फॉर्म दिया भरने के लिए नॉर्मल डिटेल्स एड्रेस बाइक का नंबर गाड़ी कहाँ पर जाने वाली है वहाँ से कौन पिकअप करने वाला है ये सारी डिटेल्स हम लोगों ने फिल करके अभी बाहर आए अभी यहाँ पर अपनी गाड़ी होने वाली है पैक पार्किंग का वो लोग ले रहे हैं 600 रुपया मैं सोच रही हूँ कि पैनियर्स और टॉप बॉक्स इस पर ही लगा के रखूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा सामान है एंड एक टिकट पर इतना सारा सामान रख सकते नहीं रख सकते प्लस ध्यान देना पड़ेगा इसलिए वो चीज़ तो नहीं करने वाले दूसरा का पेट्रोल पूरा खाली कर दिया है एंड इतना पूरा भर के एक कैन पेट्रोल निकला हुआ है अब ये ट्रांसफर होने वाला है सीधा मीर की गाड़ी में मोना पेट्रोल तुम लोग खाली करके ही लेकर आओ थोड़ा सा ही लिमिटेड रखना क्योंकि ये पेट्रोल वापस मिलता नहीं जिस भी हमारे पास एक गाड़ी है इसलिए ये पेट्रोल सीधा इसमें जाने वाला है और बिना चश्मे के सब दिखाई दे रहा है ऑल क्लियर सब रावस पेट्रोल पूरा खाली कर दिया अभी गाड़ी का चालू रख के अभी चालू नहीं होने वाली बस बंद वो भी बंद कर दे कल स्विच बटन बंद हो गया रेडी हो गया ना गिफ्ट पैक जो होता है उसका बबल रैप करके लाइक वेरी एक्सपेंसिव चीज़ें ताकि टूट फूट ना आ जाए और हम जो है वो गाड़ियाँ बबल रैप करते हैं
ये लागणार रे दीदी खाली लागणार ये टायर डाल रहे ताकि यहाँ पर सेंटर में इतना थोड़ा जगह है कि जगह पे अगर टायर डाल देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो छोड़ने के लिए हमको पूरी टोली इधर आई है, काश ऐसे बार बार हो मेरे साथ। बाय 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 बाय। क्विक अपडेट, ट्रेन वॉज ऑन टाइम, एग्जैक्टली 4 बजे ट्रेन छूट गई है। सारे भाई लोग आए थे छोड़ने के लिए। दिस इज आई थिंक द फर्स्ट टाइम जहाँ पर इतने सारे लोग मेरे को छोड़ने आए थे एंड आई फेल्ट रियली बैड। आई फेल्ट लाइक क्राइंग कि इतने सारे लोग आए हो एंड देन आई हैव टू डू दैट सी ऑफ टाटा बाय बाय वाला सीन। अबाउट द कॉस्टिंग, अपना टिकट कॉस्टेड अराउंड 3,300 है। बाइक पैकिंग का 600 रुपया हुआ है। बाइक टिकट कॉस्टेड में अराउंड 2,800। टोटल 6,500 गया है टिकट में, बट इट इज़ स्टिल सेफ। कल सुबह मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगी एंड अगर बाइक चला के जाते राइड करके तो एटलीस्ट इट वुड हैव टेकन 3 दिन प्लस 6,500 तो पेट्रोल में ही चले जाता एंड स्टे एंड फूड वो सब डिफरेंट होता। फिर नाउ मेरा सामान पूरा भाई लोगों ने नीचे डाल दिया हुआ है, बट अपनी जो सीट है दैट इज़ मिडल बर्थ एंड आई टॉक टू द TCR। मैं बोलूँगी भाई देख लो प्लीज़ एडजस्ट करके आई वांट दैट सीट क्योंकि मुझे एडिटिंग करना है एंड आई नीड माई स्पेस, आई नीड माई स्लॉट आराम से चल करके बैठ के एडिट करने के लिए। लैपटॉप बैग इज योर, हेलमेट आई कैप्ट, गुड नाइस विंडो। एक्सक्यूज मी व्हाट, लास्ट टाइम मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया था दैट वाज ड्यूरिंग कोविड टाइम, कुछ नहीं मिला लाइक नथिंग। बट नाउ हमको पूरा ऐसे परसा हुआ नाश्ता दिखाई दे रहा है एंड आई वाज सो हंग्री, मतलब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। मैं ऐसे सोच ही रही थी कि इस टाइम आई शुड ईट समथिंग क्योंकि 5 तो बज ही गए। इतने में प्रकट हो गया खाना, डेजर्ट समोसा, सम बाइट्स, सम मोर बाइट्स, फ्रूटी, टी बैग। तो अभी आसपास के लोग से बातें की पता चला दैट आपको खाना भी मिलने वाला है एंड वो टिकट में मेंशन है। अपने टिकट पढ़ा नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं था इसलिए इतना सारा खाना बैग भर के मैं लेकर आई हूँ। बट आई एम गेट वेज फूड यूर एंड अमेजिंग समोसे एंड सो फ्रेश एंड सो नीट, मतलब सैनिटाइजर पैकेट इन्होंने दिया है, पानी की बॉटल ली हुई है, जस्ट फूड ही और मसाया है जिसमें गर्म पानी है। थैंक्स। यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन इज दैट मेरे को ऐसे ना पूरा मॉनसून वाइब्स आ रहे बैठे बैठे, प्लस इसकी विंडो इतनी बड़ी है जहाँ से पूरा आर पार क्लियर दिखाई दे रहा है एंड एवरीथिंग दैट आई सी इज ग्रीन। इमेजिन यू आर स्टेबल एंड द सीनरी इज चेंजिंग, एक नंबर है। वैली स्पॉट किया, दो राइस फील्ड स्पॉट किया, अभी हम लोगों ने घाट क्रॉस किया है, ऑलमोस्ट रीचिंग इगतपुरी देन नासिक, टनल भी है। सो दिस इज लाइक अ पिकनिक फॉर मी नाउ। आसपास के जितने भी लोग सब गायब हो गए, यहाँ पर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है। अब मैं मस्त चिल करके पिकनिक में हूँ ऐसे आई। अब जो राखी में फ्रेरो रोशर मिला था नीर लेके आया तो मैं वो खा रही, मतलब मैं कुछ ना कुछ सिर्फ खा ही रही हूँ और अपना एडिटिंग मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पर बैठे बैठे। और मुझे लगता है इससे बेस्ट एडिटिंग वाला व्यू मुझे मिलेगा नहीं, मज़ा आ रही मेरे को। आई मीन पता नहीं यू बट आई एम एंजॉइंग इट। इज द फर्स्ट टाइम मैं अकेले ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ। सेंट्रल रेलवे इज फुल ऑफ सरप्राइजेस फॉर मी नाउ। मैं एडिट कर रही थी, ऑलमोस्ट डन एडिटिंग, आई वाज अबाउट टू स्लीप, मतलब आधा तो मैं सो गई थी, खुली आँख से सो रही थी। ऐसे ही मन में आ गया चलो इट्स टाइम नाउ, अपना बीच का बर्ड खोल देते एंड सो जाते। उतने में एग्जैक्ट टाइम 7:45 राइट नाउ एंड आ गया हमारा डिनर। डिनर में जस्ट पनीर, जस्ट दाल, जस्ट पिकल, जस्ट राइस, जस्ट दही, जस्ट चपाती, सरप्राइजेस। ओके, एवरीथिंग हैज अ बॉडिंग इफेक्ट हियर। जैसे बॉडी में कैसे जल्दी उठ जाते, जल्दी सो जाते, जल्दी खा लेते, वैसे ही जीना है यहाँ पर। आई हैड माई फूड, आई एम फुल, अभी मैं हूँ अपने मिडल वाले बर्थ में। दिस इज द ओनली स्पेस दैट आई हैव राइट नाउ, मतलब आई कांट सिट पूरा पूरा बैठूंगी तो पूरा ऊपर टक्कर लग रही है। बट द बेस्ट पार्ट इज मम्मी ने मेरे को घर से चादर दिया था, पर चादर की यहाँ पर जरूरत है नहीं, मतलब यहाँ पर बेडशीट दे दिया है, आई हैव पिलो दैट इज बिहाइंड प्लस देयर इज चादर, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं अपना जो चादर दिया हुआ वो निकालने वाली हूँ। आई टू फिगर आउट मैं सो का हेलमेट का रखूँ एंड बैग का रखूँ। बैग में है अपने गैजेट्स एंड वॉलेट। हम लोग ट्रेन में जाते थे ना तो मेरे डैड सोते नहीं थे पूरा टाइम क्योंकि वो सामान का रखवाला करते थे और मैं भाई तो सो जाते थे, मम्मी भी नहीं सोती थी, मतलब पेरेंट्स सोते थे ना तो हम आराम से सो सकते। ना आई एम द मम्मी एंड पापा ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ, मतलब अपने को सामान का भी ध्यान देना है, अपने को सोना भी है और कैसे होने वाला मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बीच वाला ही बहुत चीज जहाँ पर तुमको स्पेस है। मैं एंड ऑफ ब्लॉग हियर, आई सी यू टुमारो इन अनदर ब्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड दिस राइड को मैंने नाम दिया है चिल वाली राइड क्योंकि कल बताऊँगी या तो ये तोड़फोड़ राइड जो होती है भाई। यू गाइस कमेंट डाउन बिलो, लेट मी नो इस राइड को चिल वाली राइड रखना चाहिए कि तोड़फोड़ वाली राइड रखना चाहिए, व्हाटएवर इट इज। कूल, आई विल सी
see you tomorrow then. Keep coming. Get on down. More party. ब्लॉग खत्म हो गया है, बट ये ट्रेन में खाने पीने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। मजाक के अलावा फॉर डेजर्ट्स वैनिला आइसक्रीम। गुड नाइट।